बलरामपुर में भी हाथरस जैसी गैंगरेप की वारदात। 22 साल की छात्रा को अगवा कर गैंगरेप। कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी छात्रा, युवती को सड़क पर छोड़कर फरार हुए आरोपी। कुछ ही घंटों बाद युवती की हुई मौत। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR। SP ने हाथ पैर तोड़ने की वारदात से इनकार किया। जी हाँ, युवती एडमिशन के लिए कॉलेज गई थी, युवती को सड़क पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। कुछ ही घंटों के बाद युवती की मौत भी हो गई। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। एक और छात्रा की गैंगरेप के बाद मौत। इंजेक्शन लगाए उसके, उसको ले गए उसके अपने रूम पे ले गए उसके साथ है। हमारे बच्चे बच्चे का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारे बच्चे अब तक अपंग हो गई। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाया लाद के। हाँ, हमारे बच्ची के नीचे बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुझे आवाज भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं। बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर ये मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। फिर ले गए हॉस्पिटल, संतोष डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गए। फिर वो बोले कि तो लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाए, बहुत सीरियस हो गई है। फिर तुलसीपुर के बीच में। रोती भी लगती माँ कह रही है कि मेरी बच्ची की कमर तोड़ दी गई, पैर भी तोड़ा गया, बोलने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस क्या कह रही है सुनिए। थाना गैसड़ी में जो घटना हुई थी, इसमें जो पीड़िता है उसके भाई के द्वारा नामजद तहरीर दी गई, जिसमें दो आरोपियों का उल्लेख किया गया। उन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। और इसमें कुछ मीडिया के द्वारा ये सूचना चलाई जा रही है कि जो पीड़िता है उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। ये थे SP देव रंजन। उनका कहना है कि ये मीडिया चला रही है, लेकिन शायद ये मीडिया और खबरें नहीं देखना चाहते। जी हाँ, लेकिन पीड़िता की माँ का आरोप है जो हम सुना रहे हैं और बता रहे हैं। बच्ची की कमर तोड़ दी गई, वह बोल नहीं पा रही है, चलने की स्थिति में भी नहीं है। हाथ तोड़ा गया, कमर तोड़ी गई, अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन बच नहीं पाई। उनकी बच्ची इतनी कराह रही थी, इतना दर्द था कि SP साहब बोल रहे हैं कि मीडिया खबरें चला रहा है।